पहले मिट्टी बिछा रखी है, उसके ऊपर से रेत डाल रखी है। देखा भाई, मेरी मम्मी ने हिंदी बोला भाई आज। तो ये देखो भाई, रजू ने मैगी बना दिया और चाय भी बन चुकी है, मस्त मैगी बना रखी है भाई रजू ने। बच्चा ये बता, अच्छा चौक को ना रात को भिगोना पड़ता है, तो मैंने बताया था कल पहला दिन है हरियाली का, तो वो ना मिट्टी में रख देगी। दीदी मेरे ब्लॉग देखती है डेली, है ना दीदी, देखते हो ना? ये हमारी भाभी है भाई, कभी ब्लॉग में नहीं देखा होगा तुमने, और दीदी को कभी ब्लॉग में नहीं देखा होगा। किस दिन आएगा कल? अच्छा मस्त मना रहे हैं, तो गाइस अच्छी हो रही है। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम है आप सब लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी के खूबसूरत गांव चा गांव से। तो सुबह के करीबन 8 बज चुके हैं और मेरी तैयारी हो चुकी है ड्यूटी जाने की। तो सबसे पहले कमेंट की ओर चलते हैं। पिछला वाला ब्लॉग आपने देखा होगा, हम गए थे नाइट्री दीदी की शादी के एल्बम लेने, तो बहुत थकान लगी थी जिसकी वजह से मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाया। और मैं बोलता हूँ कि जितने भी कमेंट होंगे उनका रिप्लाई दूंगा, बिकॉज काफी सारे लोग चाहते हैं कि यार हमारा रिप्लाई दे, तो कमेंट पे कमेंट आ रहे हैं आजकल। तो सबसे पहले एक कमेंट है जिसका जवाब देना बहुत जरूरी है, बिकॉज 2-3 दिन से वो कमेंट आए जा रहे हैं। तो मैं बता दूं, एक दिन मैंने ब्लॉग में बताया था कि जो राक्षस का मंदिर है ना, उसके ऊपर किसी का एक कमेंट आया था कि उसके ऊपर हमारे पहचान में कोई रहता था, तो उनकी डेथ हुई थी। उनकी डेथ जो हुई थी वो एक्सीडेंट से हुई थी। तो मैं बता दूं, जहां हम ड्यूटी जाते हैं ना, तो उसी के बगल में वो गाड़ी ठोक रखी थी। उस दिन फाइनल था हमारे ऑफिस के बगल में, क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहे थे, तो वहां फाइनल था ना जिस दिन, तो वो शायद फाइनल देखने गए थे। मेरे कुछ नहीं लगते भाई, वो एक कमेंट ये आ रखा था कि तुम्हारे क्या लगते हो, तो मेरे कुछ नहीं लगते, बस खांड गांव के थे, तो इसकी वजह से इंटरेस्ट दिखा के मैंने ब्लॉग में बताया। तो आज का जो मौसम है वो देखो, मस्ती धूप लग चुकी है, और पिछले वाले ब्लॉग में मैंने बताया था कि ताऊ जी लोग हरियाली की डिस्कस करने के लिए आ रहे हैं। तो आज है 8 तारीख और कल है 9 तारीख, तो कल है हरियाली का पहला दिन। तो ताऊ जी लोग कल ही आ चुके थे, और आज शायद बहुत सारे लोग आएंगे इधर डिस्कस करने के लिए कि कैसे कैसे होगा, मतलब ना, क्योंकि मैंने बताया था कि पंचायती हरियाली पड़ रही है जिसमें सारे लोग इकट्ठा होकर हरियाली डालेंगे। चाचा लोगों का भी डोला बन चुका है और सरिया बांध रहे हैं मिस्त्री, और लेंटर जो डालते हैं ना हमारे गांव वाले ही डालते हैं। कई जगह आपने देखा होगा कि मशीन से लेंटर डालते हैं, बट हमारे गांव में गांव के सारे लोग जाते हैं और फिर लेंटर डालते हैं। पर्वतों की ठंडी हवाएं सांसों में बस जाए, हाय रे सांसों में बस जाए, वादियों में फूल खिले जो खुशबू ये महकाए, हाय रे खुश। भाई आज तो मम्मी जा रखी बीमल के लिए, और पहले आपने देखा होगा मम्मी बीमल लेके आ जाती थी, उसके बाद ब्रेकफास्ट करते थे हम। तो आज मम्मी ने बोला कि मैं बीमल के लिए जा रही हूँ, मैंने रोटी बना दिया है, तो ब्रेकफास्ट खुद ही कर लेना, तो खुद ही करना पड़ेगा भाई। और रज्जू ऊपर से कॉल पे कॉल किया जा रहा है, बिकॉज मैंने बताया था कि रज्जू जागदार जाता है, तो आज जल्दी जा रहा हो, तो बोल रहा कि चार्जर लेके आ, उसका चार्जर इधर ही है, तो फटाफट से ब्रेकफास्ट करते हैं। दूर से आता हूँ भाई, रोने लग जाती है। क्या मिले थैला पर? थैलो नहीं, हेलमेट पर जा जाल तू, नहीं छेड़ा हट नहीं, तो एक बार थैला पर बाइक स्कूल जाए, तो किले तनी ये कौन कुआयो कैन बोली, अच्छी तेरी मम्मी का, तेरी मम्मी अच्छी की, तेरी दादी अच्छी की, तेरी दादा अच्छी, दादी हम मम्मी नहीं अच्छी, किले दादा भी नहीं आचो, अच्छा अच्छा दादा मार तो खाते सब ज्यादा है, मम्मी मार दी तब नहीं मामे अच्छी, थैला पर लिया कंध के हेलमेट पर जान दा की पर जान। तो गाइस दिन के बज रहे हैं 1:30, तो हमारा चल लंच टाइम। तो मैंने बताया था जो पहले से ब्लॉग देखते हैं, मैंने बताया था एक दिन कि हम आराम करते हैं, मैंने कहा ऑफिस में, तो हमको एक रूम मिल रखा है, जो रूम है ना वो देखने के मस्त है भाई, फ्रिज भी लग रखा है, अलमारी भी है, और अनु ने देखो भाई रजाई बोल ली भाई, और पंखा खोल रखा है, रजाई बोल रखे पंखा खोल रखा भाई। तो ये देखो यहाँ है वॉशरूम, मस्त है भाई, देखो गीजर वगैरह लग रखा है, और इधर है ये किचन है, इसमें कुछ नहीं है, खाली है ये एलईडी ना, इसमें हम बैठ के ना मेरे ब्लॉग देखते हैं मस्त से। तो
सो जाए फिर। ये भाई कसम से ये ऐसे सोता है जैसे घर में नहीं सोते, मस्त फंसा और के बोल के कोई टेंशन ही नहीं है। Hello? तो आजकल तो सर नहीं है भाई, इसलिए सोता हूँ मैं ऐसे। नहीं तो मैं जब लंच टाइम खत्म होता उस टाइम उठता हूँ मैं सीधा। नहीं तो आजकल मैंने बताया था हमारे सर छुट्टी पे जा रखे हैं, तो इसकी वजह से आराम से उठते हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं होती। तो अभी एक बंदा और नहीं आया, वो भी आ रहा है। तो यहाँ से देखो भाई बाहर ऐसा दिखता है भाई, और इधर साइड से और मस्त दिखता है, नीचे होटल है, बड़ा वाला होटल। तो गाइस फाइनली पहुंच चुका हूँ घर में, और शाम के बज रहे हैं 7। तो आज भी रज्जू हमारे साथ आया और अनु ने बाल कटवाते हैं, बिकॉज कल से नवरात्र स्टार्ट है, तो शायद बाल भी नहीं कटवाते और मेरे बाल बड़े बड़े हो गए भाई। देखो सबसे पहले कमेंट की ओर चलते हैं, काफी सारे कमेंट है, और मैंने बताया था जितने भी लोग देख रहे हैं सब कमेंट करना भाई, कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है, बिकॉज कमेंट से पता लग जाता है ब्लॉग में क्या कमी है और ब्लॉग में और क्या नई चीज जोड़नी है। तो एक कमेंट आ रखा था कि ये वाला गाना लगाना, तो जरूर भाई देखेंगे, कॉपीराइट फ्री सॉन्ग जो मिल जाएगा वो तो पक्का उसको लगाऊंगा। तो एक और कमेंट था कि जो सचिन लोगों को क्या कैमरा वाला आ रखा था ना, उसको भी एक मौका देना। तो भाई देखो जो हमारे यहाँ आया आशीष भाई, तो आपको पता ही है मैं ब्लॉग में बताता रहता हूँ कि जब भी हमने कुछ बोला होगा ना तो आशीष भाई ने वो करके दिखाया है। मैंने ही क्या जितने लोग भी हमारे यहाँ आ रखे थे जिनकी भी फोटो उनके पास थी ना, तो जब भी किसी ने मांगी होगी ना तो आशीष भाई ने तुरंत दिए है। आशीष भाई को मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग देख रहे हैं आशीष भाई को अगर अपने यहाँ शादी में बुलाना है ना, तो मेरे से कॉन्टेक्ट करें, स्पेशली मैं उनका रिप्लाई दूंगा। एक कमेंट था कि जो फालतू कमेंट रहते हैं ना उनका रिप्लाई दिया करो, तो पहले पहले जो पहले से ब्लॉग देखते हैं बहुत फालतू कमेंट आते थे मिलने, तो मैं सामने पे ही बोलता हूँ और स्पेशली नाम लेके बोलता हूँ, तो फिर शायद उन्होंने कमेंट करना बंद कर दिया था। तो जो गलत होगा उनका जवाब तो देना जरूरी है, तो इसी की वजह से मैं सीधा डायरेक्ट जवाब दे देता हूँ। तो फिलहाल फटाफट से पहले चेंज करते हैं, चाय पीते हैं और फिर घूमने चलते हैं। आज अनु भी हमारे यहाँ आ रहा है, कल से हरियाली पड़ेगी और कल है हरियाली का पहला दिन। वैसे मैं सोच रहा था कि कल छुट्टी करूँ, अब मैं सोच रहा हूँ कि सीधा जिस दिन संपर्क को लेगा उस दिन छुट्टी करूँ। तो भाई रज्जू भी आ चुका है और मुझे लग रहा है रज्जू मैगी लेके आ रखा है। रज्जू मैगी लेके आ रखा ना, देखो पीछे जीभ में दिख रही है यहाँ से। रज्जू बोल रहा था मैगी खाने का मन कर रहा है। तो हमने अपने मछली ला रखे बिकॉज कल से नवरात्रि स्टार्ट है और पहला दिन हरियाली का है, तो इससे पहले हमने सोचा कि आज ही खा लेते हैं, उसके बाद मुश्किल ही खा पाएंगे यार, मतलब 9 दिन तक मीट मछली कुछ नहीं खानी, तो सोचा कि आज लेके आऊँ। और अनु भाई ना, अनु भाई होटल में काम करता था पहले, तो आज वो ही बनाएगा, उसने बोला कि मस्त से बनाएंगे, देखते हैं कि आज कैसे बनती है, मतलब मैं बनाऊंगा बोल के ना। तो पिछली बार वो आया था तो उसने चिकन बनाया था, तो आज वो मच्छी बनाएगा, देखते हैं कैसे बनाता। हाँ तू तो अंधेरा करके रखती है भाई, मम्मी ये वाली लाइट नहीं खोलती भाई, ये वाली सिर्फ ये खोली रहती है और यहाँ अंधेरा होता है। रज्जू ने बोला कि अभी बनाने वाली मैगी, रज्जू मैगी लेके आया और ये देखो भाई रज्जू मैगी बना रहा है, मिर्च डाल रखी है और प्याज डाल रखा है, तो पता नहीं कैसे मैगी बनाएगी, पहली बार खाएंगे भाई रज्जू क्या आती मैगी। और बोल रहा कि तुम शाम को मच्छी खाओगे, मैं क्या खाऊंगा, वो तब बोल रहा कि मैं मैगी बनाता हूँ, और मम्मी बोल रही कि ब्लॉग में मत बोल बल्कि हम मच्छी बना रहे हैं। तो भाई सबके यहाँ होता है ऐसा, बट हाँ वही तो लोग करते अच्छा लोग करते हैं पर लोगों को दिखता नहीं है। हाँ देखा भाई मेरी मम्मी ने हिंदी बोला भाई आज। मेरी मम्मी ना भयंकर हिंदी बोलती भाई, जो भैया मिस्त्री भैया नहीं आ रहे थे इधर, उनके साथ भयंकर हिंदी बोलती मेरी मम्मी। तो बोल रही कि ब्लॉग में मत दिखाना कि लोग फिर उल्टा सीधा बोलते हैं, तो मैंने कहा भाई सबके यहाँ होता है बट लोग दिखाते नहीं है, दिखाना कैसे ब्लॉग तोड़ते। हाँ अच्छा मैं दिखाता देख। तो भाई मैंने कहा डिफरेंस यही है कि लोग बनाते हैं पर दिखता नहीं है, और मैं ब्लॉग बनाता हूँ तब दिख जाता है ना। ये देखो भाई आज मच्छी आ रखी है, ब्रो ने देखो बाहर नहीं जा रहा, अभी रज्जू के साथ खड़ा हो रहा था इधर, उसने देखा कि यहाँ बन रहा होगा बोल के, बट यहाँ नहीं बन रहा था, फिर यहाँ सूंघ रहा। आप देखना ब्रो ना ये क्या है, देखो हाँ देखो यो मैन ले 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 ले। और अनु बोल रहा था कि ताई जी को बोल देना कि धुल के रखना, तो मैंने कहा जल्दी आ जा तू, तूने बनानी, तो एक राउंड हम घूमने चलेंगे उसके बाद उसको लेके आएंगे साथ में। तो ये देखो भाई रज्जू ने मैगी बना दिया और चाय भी बन चुकी है, मस्त मैगी बना रखी है भाई रज्जू ने, टेस्ट करते हैं फिर चलते हैं घूमने, चाय के साथ मस्त सी मैगी खाते हैं। तो भाई रज्जू ने तो पूरी मैगी खा ली और मिर्च थोड़ी बच रखी है, तब अब आ रहा भाई ये देखो खाएगा ले ले बच्चा, और बच्चा ले ले खा ले ना 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 ले ले कैमरा बंद करवा, सबको पता भी चल गया अब तो। बहुत अच्छे नंबर ला रखे बल्दू ने, रिश्वत दे के पास हो रखा बल्दू, बहुत अच्छा वाला, बहुत मेहनत करेगा तो। ले 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 रज्जू 387 नंबर तो आ रहे थे इसके 1000 में से, पता है तुझे। ले रज्जू ने बोल दिया था मेरे पास, ले पकड़ 500 में से थे, 500 में से 387 परसेंटेज निकालना जरा। तो भाई मैगी भी खा ली है और अब मम्मी बोल रही है कि जौ ले जाने नीचे, तो ये देखो भाई मम्मी ने अच्छा अच्छा
अच्छा रोबिन लोगों के दे रखे भाई, ताई जी सुबह देखा होगा आपने, दिव्या की दादी, तो दिव्या की दादी ने ये जौ दे रखे हैं, हमने पहले दे देते तो जौ को ना रात को भिगोना पड़ता है, तो मैंने बताया था कल पहला दिन है हरियाली का, तो वो ना मिट्टी में रख देंगे, इस टाइम भिगो देंगे और फिर सुबह मिट्टी में रखेंगे और फिर हरियाली जमेगी मस्त सी। तो ये देखो भाई ये हमारा भगवती का मंदिर और ये जौ रखने यहाँ पे, यहाँ देखो अभी इन्होंने सिर्फ पहले मिट्टी बिछा रखी है, उसके ऊपर से रेत डाल रखी है, तो इस टाइम ये भिगो देंगे जौ को और उसके बाद मिट्टी में रख देंगे। तो भाई यहाँ पे दीदी आटा गूंद रही है और दीदी मेरे ब्लॉग देखती है डेली, है ना दीदी, देखते हो ना, और ये हमारे भाभी है भाई, कभी ब्लॉग में नहीं देखा होगा तुमने, और दीदी को कभी ब्लॉग में नहीं देखा होगा, हाँ भाभी हमारी भाभी है भाई जो कभी ब्लॉग में नहीं देखी भैया, लोग बैठ रखे भाई, अखिल को तो तुम लाए नहीं, जो मेरे दोस्त है सत्संग का तो पता ही नहीं है। तो ये है भाई सक्षम, और पहले ब्लॉग में तुमने देखा होगा कि अखिल भी आ रखा था, तो इसी का भाई है अखिल, तो अखिल नहीं आ रखा, अखिल शायद किस दिन आएगा, अखिल अच्छा जिन ताऊ जी की मैं बात करता हूँ भाई, ताऊ जी हैं और भैया, और ये सक्षम है, हाँ अखिल कब आएगा, संपट जय दिन संपट को लेना तब बड़े मजा आना सच। अच्छा तो भाई जब तक घर में आया तब तक अनु देखो यहाँ प्याज काट रहे भाई, तो मैं दिखाया था कि मैं जौ लेके गया था नीचे, तो जितने लोगों की भी जौ वहाँ आ रखे ना वो इसका मतलब है कि वो हरियाली में शामिल हो रहे हैं, तो मैंने बताया था जो खोदा होता है, खोदा मैंने बताया था ना, तो हाँ तो खोदा मैंने बताया था कि पल्ले खोदा है मैंने का, मतलब जहाँ से लोग रहते ना वो पल्ले खोदा माना जाता है, तो वहां से वो शामिल नहीं हो रहे, मैंने बताया आसी की दादी एक्सपायर हुई थी तो इसकी वजह से वो शामिल नहीं हो रहे, और भाभी एक दिन ब्लॉग में देखा होगा आपने जो रिद्धि की मम्मी है ना ये बात कर रहे भाई किसी से, जो रिद्धि की मम्मी है ना, रिद्धि की मम्मी बोल रही थी तो पल्ले खोदा वहां से पहले युद्ध बोल कौन, तो देखो भाई इस टाइम साबित हो गया, मतलब देखो ना कि आसी की दादी एक्सपायर हो रही थी तो वो शामिल नहीं हो रही, तो इसका मतलब वो दूसरे खोदे में, तो मैंने ये बताया था कि जब फेस्टिवल होता है मैंने कहा तो उनके यहाँ कोई एक्सपायर होता है तो हम मनाते फेस्टिवल, और जब हमारे यहाँ कोई एक्सपायर होता है तो वो मनाते फेस्टिवल, ऐसा होता है। हाँ भाई अनु कैसे कैसे करेगा, तो अनु सबसे पहले मिक्स करेगा भाई इसको, देखो देखते हैं कैसे मनाता है, बोल रहे तूने बोल तो दिया सामान है भाई पूरा सामान तूने छोड़ा, ये खुद ही बोल रहे थे कि आज मस्ती बनाएंगे, मैं दुकान से सामान लेके आऊंगा ना, क्या रहा भाई घर से, देखो भाई बाल कटवा रखे इसने, देखो भाई और फोन पे दिखा रहा था ये वाली कटिंग करानी है मैंने तो अब आ रहा घर पे और बोल रहा है मैं सामान भूल गया, मैंने कहा याद ही क्या रहा कि तूने तब जब सामान भूल गया, तो मेन चीज तो लाया नहीं मसाला जो होता है वो मच्छी का, ज्यादा मिर्च मत काट भाई बहुत है काफी है, हाँ बस तो भाई मैंने सुबह बताया था कि यहाँ सरिया बिछने वाली है, तो देखो सरिया बिछ चुकी है और शायद मुझे लग रहा है चाचा लोग ऐसी लेंटर डालेंगे, नीचे हरियाली पड़ी रहेगी यहाँ लेंटर पड़ेगा, तो कुछ लोग यहाँ आ जाएंगे भाई, हरियाली मतलब दिन में कुछ नहीं होता वैसे भी, रात को ही मंडाने लगते हैं पर पांचवें दिन से लगते हैं, और आज चाचा लोगों ने यहाँ पे बल्ब लगा दिया भाई, ऊपर सरिया बिछा रखे ना और ऊपर से फिटिंग भी कर रखी है लाइट की, देखो और हम जा रहे हैं अब घूमने रात को, चल भाई। अरे फिर लीड लगा ली तूने, कहाँ लीड है, अबे लीड कहाँ है, हाँ, हाँ। अच्छा लीड देखना भाई, ये ना ये जो है ना फोन के साथ मिले थे, हाँ कहाँ खोया तूने, क्या बैठ रखा था, अच्छा राहुल को यहाँ बैठ रखा था मैं, अब खो गया था रज्जू पीछे से आ रहा है भाई, कहाँ जा रहा था वैसे, अनु को छोड़ दिया भाई हमने, अनु मच्छी बना रहा, यहाँ से लेफ्ट में नहीं ऊपर चल, वहां से चलेंगे धार में जाएंगे सीधा, ये देखो भाई कितना लंबा है भाई, ये झुक के चल रहा मेरे साथ, थोड़ी हाइट मेरे को दे देना यार, ना थोड़ी हाइट मेरे को दे दे, अपनी टांग का मांस मेरे को दे दे, ले जा मैं नीचे गया था ना तो दीदी बोल रही थी, दीदी मेरे ब्लॉग देखती है डेली, तो दीदी बोल रही थी मैं ना मैं चाहती हूँ बल्कि तेरे को डेली कमेंट करूँ बल, पर क्या होता है बल जब मेरे को टाइम नहीं मिलता बल तब मैं इमोजी डालती हूँ बल मैंने कहा कोई बल होता है बल तेरा इससे कुछ, मैंने कहा कमेंट मत करो बस तुम ब्लॉग ही देखो काफी है मेरे लिए, तो ये देखो भाई ये तो खाने लग गए और अब मैं टेस्ट करता हूँ भैया, अनु ने बना रखी आज मच्छी, देखते हैं भाई क्या बोलते हैं अनु इसको जो तूने मच्छी बना रखी है, तेरे को पता होगा होटल में किया तूने, बता नाम तो बता, गूंगा है क्या तू, कौन सी मच्छी है ये बता, कढ़ाई फिसा है, अच्छा कढ़ाई फिसा है तो भाई टेस्ट करते हैं देखते हैं कैसे बना रखी है, अनु अनु ओ अनु रजी तक लीड गा रहे हो कंदोर बन, तो भाई टेस्ट करते फटाफट से और रिव्यू देते हैं अनु को, तो गाइस अच्छी हो रही है, अच्छी मस्त बना रखे हैं, तो गाइस अच्छी हो रही है दिल बड़ा काट रहा है आनंद से, ये सच्ची बढ़िया बना रखी, खाएगा ना, मैंने दूध पी लिया, क्या हुआ दूध, मैंने खाया दूध, मैंने खाया अनु का बंदा ही बताई, अनु पापा था हैवी ड्राइवर है, तो यार अनु पापा भी आ रहा था मच्छी टेस्ट करने के, मेरे लड़के ने कैसे बना रखी, रुक जा 2 मिनट बोला तो कुछ नहीं ना चले गए दही खाई,
मच्छी के साथ कोई दही खाते खाता मच्छी साथ कोई हाँ मच्छी में ना बनाते टाइम ना दही डालते हैं भाई और वो लोग बोलते हैं ना मीट मीट मच्छी के साथ दूध और दही नहीं खाते वैसे ये ना तो सफेद बोलते हैं कि सफेद दाग जो होते हैं ना बॉडी पे वो उसी से होते हैं मैंने पहले बताया था तो ये देखो भाई गद्दे लेके आ गया आजा आराम से फंसना मत कहीं आजा और जिन्होंने कर रखा है वो ऐसे सपोर्ट बनाए रखे मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।